हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। सुबह के 6:30 हो रहे और कार्ड वगैरह अब आज से बटने शुरू हो जाएंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ इटावा अपने ससुर जी के घर, उनको कार्ड देने के लिए, इनवाइट करने के लिए कि मेरे पापा की शादी है, ज़रूर ज़रूर आना। और उसके बाद है मेरे को जाना है आगे ही उसके आगरा। आगरा में जाके अपने मेरे माई जी का घर है, वहाँ जाना है, माई जी को कार्ड देना है। और उसके आगे है मथुरा मेरी दीदी का घर, तो दीदी को भी मैं लेने ही जा रहा हूँ क्योंकि जीजा जी की थोड़ी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, इसलिए उनके पास छुट्टी नहीं है। तो मैंने कहा चलो अपनी गाड़ी है, मैं लेने आ रहा हूँ आपको, आप तैयार हो जाओ। तो अब जीजी के घर भी जा रहा हूँ, जीजी को भी लेके आऊँगा। तो चलो चलते हैं, मैं तैयार हूँ फुल। आज जल्दी उठ गया था तो सुबह सुबह निकल जाएंगे, तो 11-12 बजे तक पहुँच जाएंगे, फिर वापसी भी हम शाम के 5 बजे तक आ जाएंगे। तो चलो चलते हैं, फिर कल से हमारे सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। चाय है, सुबह सुबह की चाय पीजिए। दादी अपनी कथा सुन रही हैं। तैयार हो चलने के लिए? इटावा माइक के जाने के लिए हर कोई तैयार हो। चल रहे दीदी? तो मम्मी जा रहा हूँ मैं आपकी बिटिया को लेने। ठीक है, ले आ जाके बिटिया। ठीक है, आपकी देवरानी को लेने। हाँ, देवरानी को ले। झगड़ा नहीं करना है झगड़ा कौन तो करते ही कौन झगड़ा थोड़ी करते। मम्मी दादी, तो जा रहा हूँ मैं आपकी बहू को लेने। हैं, आपकी बहू को लेने। झगड़ा नहीं करना बहू से। हम का झगड़ा करते हैं। और आपकी नाती को लेने जा रहा हूँ। बहू झगड़ा करे तो फिर छोड़ दी। मैंने मम्मी से भी कह दिया है आपकी देवरानी को लेने जा रहा हूँ, झगड़ा नहीं करना। हाँ, तो 6 बजे इतनी धूप हो गई है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने 7-8 हो गए। तो चलो निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं। जो सो रहे सोने दो, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है वो पीपनी बजावत है। गाड़ी की पीपनी बजाओगे? चाय पी ली दादी, चाय पी ली। जा रहे हैं, सो जाओ युग हैं। तो चलते हैं, गाड़ी ऑन करते हैं, कार्ड को पीछे रखते हैं। आराम से जाना, ठीक है? आराम से जाओ, बाय। ऐसे चलाऊं? बाय। इतने आराम से बहुत इतने आराम से चलो। कल तक का जिंदगी भर नहीं पहुँचे। चलो टाटा बाय युग बाय। तो गाड़ी को भी नहला दिया है, कोई भी काम करने से पहले नहाना जरूरी होता है, लेकिन स्वाति ने नहीं नहाया। हाँ, शकल दिख रही है, घर में पानी नहीं। पॉटी भी ससुराल में जाके करेंगे। देखा इटावा सिटी है, देख लिया मैं। और यह गांव है, कचरा पड़ा हुआ है। तो बड़ा कचरा पड़ा हुआ तो बन रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं इटावा, मम्मी पापा की शादी का कार्ड देने। हमारी शादी में मम्मी पापा ने कार्ड दे रहा, मम्मी पापा की शादी में हम कार्ड दे रहे हैं ना। हम कितने नसीब है कि भगवान ने हमें ये मौका दिया कि अपने मम्मी पापा की शादी कराने के लिए ना। ये भगवान ने आदेश दिया तभी हम कर रहे हैं। नहीं तो हम जा रहे हैं मम्मी पापा की शादी का कार्ड देने। पहले जा रहे हैं अपने घर पे, पहले भगवान को दिया था, अपने घर पे जा रहे कार्ड देने। मतलब आज सबको जाइए कार्ड देने। तो चलते आप लोग भी हमारे साथ, चलिए सबके यहाँ कार्ड देने। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अपने पापा की शादी अपने हाथों से कराऊं। ये भगवान का ही आदेश है इसीलिए ऐसा हो रहा है। नहीं तो शादी तो आपको पता है भगवान जब चाहता तभी होती है। किसी की एक भी नहीं हो पाती, किसी की एक भी नहीं हो पाती। शादी की नहीं हो रही थी वो तो मैंने कर ली। तो फाइनली गाइज हम लोग स्वाति के घर पे पहुंच चुके हैं और हमने मिठाई का भी डब्बा ले लिया है। हम सुबह 6 बजे निकले थे तो मिठाई की दुकानें नहीं खुली थी, तो हमने ये एक स्टोर से खरीदा सोन पापड़ी। तो सोन पापड़ी ये वो मिठाई है जो कोई नहीं खाता, सिर्फ चिपकाया जाता है। गेम खेल रहे हो ना? मुझे दिख गए थे आप। मम्मी नमस्ते, खुश रहो। मुझे पता आप कहाँ दिख गए थे? मम्मी नमस्ते, रास्ते में दिख गए थे। मम्मी नमस्ते। मम्मी मेरे पापा की शादी है,
कार्ड खाली हाथ नहीं दिया जाता ना इसलिए। तो पापा जी मेरे पापा की शादी है 29 जून को, आना पड़ेगा। तो अब हम लोग निकलने वाले हैं आगरा के लिए, तो कार्ड दे दिया मम्मी जी, आपको आना है। एक दिन पढ़ाई छोड़ देना मेरे लिए, बहुत पढ़ाकू लड़का ही है, सुबह 3 बजे उठ जाता पढ़ने के लिए। तो गाइज अभी हम इटावा के पेट्रोल पंप में डीजल भरवा रहे थे, और मेरे पे ना तो पर्स है ना कैश है, तो यहाँ पे डीजल नहीं भरा है। देख लो स्वाति का इटावा ऐसा है। तुम बोल लो पहले, यहाँ डीजल नहीं भर रहा, राइट कहाँ से ले, गाड़ी बंद हो गई। तो जीजी के घर पहुंच चुके हैं, मेरे पापा की शादी में जुलूल जुलूल आना। ठीक है, खोलो कार्ड, खोलो, अंदर भी कुछ निकलेगा इसके, सोन पपड़ी तो उसमें निकलेगी। जो भी आता है सोन पपड़ी लेके आता है। ये पैसे, जब मान के घर पे जाते हैं तो खाली हाथ कार्ड नहीं देते है ना, ये रख ले। हाँ तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं जीजी को लेके, अब जीजी जा रही है मायके, और देखिए सिर्फ एक ही बैग है ये देखिए, और जब वापिस जाएगी तब बैग दिखाएंगे आपको जीजी के। 3-4 बैग मायके से जब वापिस जाते तो बेटी को बहुत सारा सामान देती है उनकी अम्मा, देखना वापसी में 3-4 बैग हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं इटावा। तो गाइस सुबह से हम सफर करके सुबह 7 बजे से लेके अब शाम के 7 बज गए हैं, और अभी भी 1 से 1.5 घंटा लगने वाला है। मतलब 12-13 घंटे पूरे हो गए। तो दीदी को लेकर हम चाची को भी लेकर जा रहे हैं साथ में, और भैया तो बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं कि मतलब सब लोग होंगे घर में तो और भी ज्यादा मजे आएंगे। चलते हैं, और घंटे मैंने गाड़ी चला लिया, मुझे ड्राइविंग का भी एक्सपीरियंस हो गया है। अच्छा तो चलते हैं, और ये देखो मेरा प्यारा सा इटावा। तो गाइस अभी इटावा से ही निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि दीदी आई हुई है, चाची जी आई हुई है, और हमारी दो दो दीदी आई हैं, तो हमने कहा चलो अपना प्लॉट दिखा देते हैं। देख ले चाची जी प्लॉट, देख ले, देख लिया, देख लिया। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कैसा लगा दीदी? बहुत अच्छा, अच्छा। समझ में आया क्या देख रहे हैं? अच्छा, तो चलो चलते हैं, रात हो गई, देखो अब 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। और क्या, तो आ गए हैं हम लोग घर, 14 घंटे का सफर तय करके। तो आ गए सारे, ले बेटा है, अब पता लगा कि हाँ मेहमान है। रोना नहीं जीजी है, जीजी बन रही वीडियो, जीजी रोना नहीं, मम्मी की शादी है, बन रही वीडियो आप करो, जीजी रोना नहीं, मम्मी की शादी है। जो बाहर से आए उनकी वीडियो बनाई जाती है, बाहर से तो आई नहीं सब। रोना नहीं है, रोना नहीं, मम्मी की विदाई होने वाली है। तो गाइस रात के 9 बजे हम लोग इटावा से आए थे सारे, और काम करते करते टाइम का पता नहीं चला, और 11 बज चुके हैं, और अब खाना खाने का टाइम हो गया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो कितनी अच्छी फैमिली लग रही, क्या बात, मम्मी की भी बिटिया आ गई, दादी की रह गई, दादी दादी बहू आ गई, देखो दादी आपकी बिटिया कब आ रही? कल आ रही है, कल कल आ रही है, तो कल बुआ भी आ जाएंगी, तो बहुत मजा आने वाला है। पूरी फैमिली आ चुकी है, आ जाओ खाना खाते हैं, जिसने नहीं खाया वरना बाद में मत कहना। वाह 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 स्वाति, वेरी गुड, अच्छे से था वो यार, बहुत दिनों बाद ऐसी बहू किसी को ना मिले, देखनी चाची कितनी अच्छी बहू। तो गाइज आज देखिए हम सारे छत पे सो रहे हैं, पंखा लगा के सो जाओ, सो जाओ, 1 बज रहा रात का, मोहल्ले वाले को जगाओगे तुम, सो, गुड नाइट।
गुड नाइट। देखो मोती भी आज ऊपर है हमारे साथ, जहाँ हम वहाँ मोती। तो गाइज रात के 1 बज रहे हैं, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। और मेरे को नींद आ रही है बहुत जोर की, क्योंकि आज मैंने 14 घंटे गाड़ी चलाई, मैं थक गया। तो अब इस वीडियो को एडिट करनी पड़ेगी, 1-2 घंटे में सो जाऊंगा, सुबह आपको टाइम पे वीडियो मिल जाएगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल। लव यू ऑल। अरे वाह।